हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फॉर यू में। दोस्तों, आपका इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का जो है पेपर फर्स्ट शिफ्ट का 17 जुलाई का समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन अभी तक हमारे पास आए हैं, इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। 100% सटीक एनालिसिस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, एग्जाम फॉर यू चैनल पर। अगर नए हैं चैनल पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आपको यहाँ पर हर एक शिफ्ट का एनालिसिस सबसे पहले देखने को मिलता रहे। तो इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप में फर्स्ट शिफ्ट में आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। आपका करेक्ट आंसर था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किससे संबंधित है? तो ये डाकघरों से संबंधित है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपका करेक्ट आंसर था डाकघरों। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें एग्जाम फॉर यू चैनल पर। जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस आपको सबसे पहले यहीं पर मिलेगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर देना जिसका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होना है, ताकि उन्हें भी पता चल जाए किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, न्यूटन फिल्म में किसने मुख्य भूमिका निभाई? तो राजकुमार राव जो थे उन्होंने न्यूटन फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। आपका करेक्ट आंसर था राजकुमार राव। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व की प्रथम ग्रीन मेट्रो का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये दिया गया दिल्ली मेट्रो को, विश्व की प्रथम ग्रीन मेट्रो का दर्जा। आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835 ईस्वी में बनाया था अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम। आपका करेक्ट आंसर था। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक से और सब्सक्राइब कर दें। लाइक से और सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी ना करें, 100% सटीक एनालिसिस आपको यहीं मिलेगा एग्जाम फॉर यू चैनल पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? मनोज सिन्हा बने हैं जम्मू कश्मीर राज्य के नए राज्यपाल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज, एक क्वेश्चन आया था, यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9वें व्यक्ति है और दूसरे छोर से 11वें, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है ये आपको बताना है। ये एक पंक्ति है, इसमें अगर आप एक छोर से तो है 9वें व्यक्ति और दूसरे छोर से आप 11वें व्यक्ति, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है ये आपको बताना है। 9 प्लस आप 11 करोगे, 9 प्लस 11 करने पर आपकी जो पोजीशन है इधर से भी ऐड हो गई, इधर से भी ऐड होगी, एक पोजीशन आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 9 और 11 20 माइनस 1 19, यानी पंक्ति में जो है 19 व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना था, आई होप आपके सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज, 300 मीटर लंबी ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात करें। यानी 300 मीटर लंबी ट्रेन है और 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1200 मीटर, यानी 1200 मीटर हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया आपका 1200 मीटर। टाइम दे रखा है हमें 40 सेकंड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें गति निकालनी है यानी स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस कितना है 1200, टाइम कितना है 40 सेकंड, मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से कट जाएगा 4 × 12 यानी 30 बार, 5 से कट जाएगा 6 बार, 6 × 18 आप करोगे तो आपका आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपकी आ जाएगी। यही हमें फाइंड करना था, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है, अध्यक्ष है जोस एंजल गुरिया। OECD की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़कर जरूर जाए, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आप डेली एनालिसिस कर सकते हैं एग्जाम फॉर यू चैनल पर। तो दोस्तों, ये थे आपके एयरफोर्स का जो आपका पेपर हुआ है 17 जुलाई का, फर्स्ट शिफ्ट का एक्स वाई ग्रुप का, उससे रिलेटेड हमारे पास आपके जो भी क्वेश्चन आए हैं मैंने इस वीडियो में आपको कवर कराए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें,
अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जिसका भी नेक्स्ट शिफ्ट में या नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होना है, ताकि उन्हें भी पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से एग्ज़ाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको यहाँ पर हर एक शिफ्ट का एनालिसिस सबसे पहले देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।